एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरह से 2024 के रण में कूद चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की दरार कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा एक्शन लेने का मन बनाया जा रहा है। क्या इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार में महागठबंधन में खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई? क्योंकि बिहार में सियासत में इन दिनों आपसी खींचतान की अटकलें चल रही। यह चर्चा तब और बढ़ी जब राहुल गांधी ने नीतीश से फोन पर बात की और फिर उसके ठीक बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। महागठबंधन में शामिल नेता ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जल्द ही जेडीयू के आरजेडी में विलय का दावा कर रहे हैं और अपने इस दावे के पीछे लालू यादव से हुई बातचीत का हवाला दे रहे हैं। गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा, तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे, तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीजें बातें हुई है गिरिराज सिंह जी की। बढ़िया है, हम लालू जी झटका मीट बनवाएंगे, खाएंगे हम लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं। वो झटका मीट हमको खिलाएंगे, अपने भी झटका खाएंगे, और जो मैं कहा हूं आने वाले दिन में जनता दल यू का विलय हो जाएगा आरजेडी। ऐसी खबरें थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव के बाद से नीतीश नाराज हैं। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लालू यादव की हरी झंडी का इंतजार है। गिरिराज सिंह का दावा है कि लालू तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग पर अड़े हैं। इसी मुद्दे पर अब नीतीश और लालू आमने सामने खड़े हैं। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। और ईडी ने जो नोटिस दिया है उसमें क्या कहिएगा सर? ईडी के वो कानून। हालांकि गिरिराज सिंह के हर दावे पर जेडीयू आरजेडी सवाल उठा रही है, उनकी इस बयानबाजी को बेवजह बता रही है। तो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है, गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका और क्या हलाल, अपने 2.5 किलो मीट खाते थे, तो 2.5 किलो मीट जो खाते थे वो कहाँ से खिलाते थे? झटका वाला कि हाँ बाजारे से मंगवाते थे। तो गिरिराज सिंह का टीआरपी है, कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सियासी फिजाओं में एक चर्चा ललन सिंह को लेकर भी तैर रही है। दरअसल 29 दिसंबर को जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में नीतीश ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं और 2024 के चुनाव से पहले खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी में टूट को रोकने के लिए नीतीश कुमार की ये बड़ी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात, ललन सिंह की लालू यादव से नजदीकी नीतीश कुमार को नहीं भा रही। हालांकि जेडीयू के नेता इस पर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन बदलाव की संभावनाओं को लेकर ललन सिंह के बयान काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। पता नहीं आपको बात हुई है क्या? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, आपसे बात हुई है? आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है, आप बताइए क्या करना है, आप परामर्श दीजिए कि क्या करना है, आप इसे डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा। अगर नीतीश कुमार 29 दिसंबर की बैठक में पार्टी संगठन में बदलाव का कदम उठाते हैं, तो संभव है कि बिहार की सियासत में गिरिराज सिंह के जेडीयू में टूट के दावों को बल मिलेगा और इस सियासत का सीधा असर इंडिया गठबंधन के एकजुटता वाले एजेंडे पर पड़ेगा। पटना से शशि भूषण, आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, आज तक।